परम, तुझे बता ये झील ना किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है और यहाँ तैरना तो बहुत ही मुश्किल है। ये झील, नदी, पहाड़ और ये झरने, ये सब कुदरत की बनाई हुई देन है। ये सब हम इंसानों के लिए तो है, किसी एक की प्राइवेट प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है? यार तूने अपने फंडे कम मारे यार, तुझे पता हम नेशनल लेवल के स्विमर है, अगर यहाँ पकड़ेगे ना तो हमारी इज्जत की धजियाँ उड़ जाएंगी यार। हमें कौन पकड़ेगा यार, देख यहाँ कोई गार्ड भी नहीं है। तुझे पता ये झील की गहराई कितनी है और ये हमारे लिए कितनी खतरनाक है यार? वो चैंपियन, तू कब से गहराई से डरने लग गया? देख ज्यादा नाटक मत कर, मैं जा रहा हूँ और आजा चुपचाप। नहीं यार मुझे ऐसा ये एडवेंचर करने का कोई शौक नहीं है, तू जा। ठीक है तेरी मर्जी। और एक बात याद रखना, अगर आज 6 बजे तक होटल ना पहुंचे ना तो सर हमें देहरादून वापस भेजेंगे। पता है। ये कहाँ चले गया यार, अभी तक आया नहीं है। सर ने पहले ही बोला था कि पानी में सांस मत रोका कर, मत रोका कर, बट ये सुनता ही नहीं है। अरे इसे कुछ हो तो नहीं क्या? परम खून, परम परम आप है झील के मालिक? हाँ सर, मेरा नाम जयंत है। ये दोनों लड़के मेरी अनुमति के बगैर मेरी प्रॉपर्टी में घुस आए और झील में तैरने लगे। बिना अनुमति आए, इसका मतलब ये नहीं तैरने वाले लोगों की जान ले लो तुम। सर मैंने किसी की जान नहीं ली है। तुमने नहीं, तुम्हारी झील में रहने वाले उन मगरमच्छों ने जान ली है। और तुम्हें यहाँ पे बोर्ड लगा के रखना चाहिए कि यहाँ पे तैरना खतरनाक हो सकता है। सर सबसे पहले बात तो ये कि मेरी झील में मगरमच्छ तो क्या मछलियाँ भी नहीं है। और रही बोर्ड लगाने की बात, तुम दोनों ने इस बोर्ड की इज्जत नहीं की तो दूसरा बोर्ड लगाने का क्या फायदा? अगर तुम्हारी झील में मगरमच्छ नहीं है तो परम को किसने हमारा? दिनेश एक बात बताओ, जब तुम्हारे दोस्त परम की लाश यहाँ पानी में ऊपर तैरने लगी तो आसपास कोई मगरमच्छ या बड़ी मछली को देखा ना? नहीं सर, बस परम को खून से लथपथ देखा सर, और कुछ नहीं सर। मतलब जो कुछ भी हुआ इस झील के अंदर ही हुआ है, जरूर कोई ना कोई जीव जंतु है इस पानी के अंदर। गोताखोर कितनी देर में आने वाले? बस सर आने वाले। सर लाश देख के ऐसा लगता है कि इसकी मौत किसी मगरमच्छ या मछली के काटने से ही हुई है। सर पूरे शरीर पे गहरे निशान है और सर शरीर के कई हिस्सों पर तो मांस ही नहीं है। मेरी झील में इतनी खतरनाक मछलियाँ और मुझे नहीं पता। इतने भोले मत बनो, इस तरह के मगरमच्छ और बड़ी मछलियाँ आसमान से नहीं टपकते झील में, खरीद के डाले जाते हैं। अगर तुम्हारे झील में जानवर निकला जिसका लाइसेंस नहीं है तुम्हारे पास तो खून का केस चलेगा तुम पे। खून का केस? हाँ खून का। सर गोताखोर आ गए। सर ये है विद्युत और ये है टीना। सर नेशनल लेवल का स्विमर था ये, अरे झील में अपनी रक्षा नहीं कर सका, इसलिए फिलहाल आप लोग झील में ना ही जाए तो अच्छा है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कोई और जान न जाए। सर हम लोग सुरक्षा के कुछ इक्विपमेंट्स लेकर आते हैं, शायद इससे ये खतरा थोड़ा कम हो जाए। ठीक है। सर क्या हम एक बार लाश को देख सकते हैं? सर ये तो किसी अनजान से जानवर के काटने जैसा लग रहा है, मैंने इससे पहले कभी ऐसी मौत नहीं देखी। अब ये जानवर है या कोई मछली ये तो फॉरेंसिक लैब में ही पता चलेगा। आपका ये सेफ्टी इक्विपमेंट लाने में कितना देर लगेगा? सर यही कोई 2-3 घंटे। ठीक है। हादसा क्या इसी तरह का हादसा कहाँ पे? सलोरा झील। बिल्कुल वैसे ही हत्या हुई है, वैसे ही जैसे परम की हुई थी। वैसे आप दोनों इस झील की देखभाल करते हो, मेरा मतलब है केयरटेकर हो आप लोग? जी सर, ये जमीन प्राइड कॉर्पोरेशन की है। ये झील, ये सारी प्रॉपर्टी प्राइड कॉर्पोरेशन की है, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जी तो फिर इस आदमी को परमिशन किसने दी, इजाजत किसने दी बोटिंग की? सर ये झील आम जनता के लिए खुली हुई है बोटिंग करने के लिए। एक बात बताओ, जब तुम दोनों ने इस आदमी की चीख सुनी तब तुम तुरंत यहाँ पहुँच गए? हाँ सर, लेकिन रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ है इसलिए यहाँ तक पहुँचने में 3-4 मिनट लग गए।
और जब तक हम यहाँ पर आए ये आदमी दम तोड़ चुका था। पर बड़े अजीब बात है, दो दो मौतें हुई और दोनों कुछ ही घंटे के अंदर, और दोनों के मरने की वजह एक अनजान रहस्यमय पानी का जानवर। हाँ सर, सर कहीं दोनों मौतों में कोई संबंध तो नहीं? कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है इस परम की और इस आदमी की। दोनों की कुंडली निकालनी पड़ेगी, पता चल जाएगा क्या संबंध है। पंकज सर, कुछ मिला क्या मेरा? हाँ सर, कुछ फोटोज हैं और ये बैग में से विजिटिंग कार्ड मिला है। सुमेर, इस बेचारे का नाम सुमेर है, फ्रीलांस फोटोग्राफर। पंकज जरा कैमरा दिखा। आखिरी फोटो लगता ही है धुंधला सा है। हाँ सर, तो लगता है सुमेर के मरने से ठीक पहले की फोटो है। काम करते हैं, मरीन एक्सपर्ट को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि दोनों झीलों का मुआयना करो, अच्छी तरह से चेक करो, पता तो चले है क्या इस झील के पानी के अंदर है क्या वो जो ये हत्याएं कर रहा है। सर अब तक तो हम यही मानकर चल रहे थे कि इन दोनों की मौत पिराना मछलियों की वजह से हुई है, लेकिन ये जख्म तो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। हाँ, तारीका देखा मैंने। अब देखो मिस्टर परिमल आ रहे हैं, क्या बताते हैं। सर आप परिमल जी को पहले से ही जानते हैं? हाँ, बहुत पुरानी पहचान है मेरी उनसे, और पानी में रहने वाले जीव जंतुओं की बड़ी अच्छी जानकारी। अरे आओ परिमल, अभी तुम्हारे बारे में बात कर रहा था डॉक्टर तारीका से। अच्छे लग रहे हो सालुंखे, इतने साल बाद भी बिल्कुल नहीं बदले। हाँ नहीं खेती जो है। पर अफसोस हमारे मिलने की वजह इन दो लोगों की मौत है। सुन के मैंने परिमल को इन दोनों लाशों के फोटोग्राफ्स भी दिखाए और उन दोनों झीलों पर भी लेकर गए हम जहाँ से ये लाशें मिली थी। बहुत अच्छा, तो परिमल क्या लगता है यार तुम्हें? मुझे नहीं लगता कि इन दोनों की मौत पिराना मछली के काटने की वजह से हुई है। परिमल जी, इन दोनों लाशों पर जो जख्म के निशान है, जो दांतों के निशान है, वो पिराना मछली के ही है। वो तो है, मगर पिराना मछली इंडिया में नहीं रह पाती। सर ये भी तो हो सकता है कि इन मछलियों को कोई दूसरे देश से लाया हो तस्करी करके। हो सकता है श्रेया, पर अगर कोई पिराना मछली को यहाँ पर लाया है तो वो मछली यहाँ पर जिंदा नहीं रह पाएगी। वो तो सिर्फ दक्षिण अमरीकी नदियों में ही पाई जाती है, क्योंकि वहाँ के पानी में कुछ ऐसे मिनरल्स और तत्व होते हैं जो उसे जिंदा रखने में मदद करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम जानते हैं यार ये सब जानते हैं, लेकिन यार एक काम करो ना, चेक कर लो एक बार प्लीज। हाँ चेक कर लेते हैं, चलो। ये देखो ये है पिराना का जबड़ा, हम चेक कर लेते हैं कि इन दोनों पे पिराना ने हमला किया था या नहीं। प्लीज। ये देखो ये दांत कितने नुकीले हैं, और ये जख्म, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? ये जख्म तो हैनिक्स नाम के पिराना ने किया है। तो? मगर ये हैनिक्स नाम का पिराना इंडिया में नहीं रह सकता। ओह यस। यार परिमल जी सिर्फ इतना बताओ, किन दोनों की मौत पिराना मछली की वजह से हुई है या नहीं? हुई भी है और नहीं भी। अरे ये कैसा जवाब है, हुई भी है या नहीं? पिराना मछलियाँ हमेशा झुंड में हमला करती और मिनटों में शिकार का पूरा मांस खा जाती। अगर इन दोनों पे पिराना मछलियों ने हमला किया है तो यहाँ पर तो सिर्फ उनके कंकाल ही होने चाहिए। सर यानी हम ये मान के चलें कि इन दोनों पे पिराना मछलियों ने हमला नहीं किया है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल श्रेया, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि इनके जख्मों पर मुझे कोई डीएनए भी नहीं मिला यार। ऐसा कैसे हो सकता है सालुंखे साहब? अगर पिराना मछलियों ने इन्हें काटा है तो उनका डीएनए इनके जख्मों पे कैसे नहीं है? वही तो, काटने के निशान पिराना मछली के, मगर बाकी सारी बातें बिल्कुल पिराना मछली की नहीं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दोनों झीलों में कोई ऐसी मछलियां हो जो पिराना की तरह हमला करती हो? अगर पिराना मछली नहीं तो फिर है क्या उस झील के अंदर? झील के अंदर घुस के देखना पड़ेगा। देखो हमारा अंदाजा है कि झील में पिराना मछलियां हैं जो झुंड में इंसान पर हमला करती है, और कुछ ही मिनटों में देखते ही देखते इंसान का मांस नोच के खा जाती है। तो आप लोग ये खतरा उठाने के लिए तैयार हैं? हाँ सर, हमारी हमेशा से ही ख्वाहिश थी कि हम लोग कभी सीआईडी की मदद करें आपका केस सॉल्व करने में, और आज हमें वो मौका मिल ही गया। वेरी गुड। और वैसे भी सर हम लोग अपनी सुरक्षा का इंतजाम पहले से कर चुके हैं, और अगर मछलियों ने हम पर हमला किया
तो इस पाइप के जरिए हम लोग पानी में एक ऐसा तरल पदार्थ डालेंगे जिसे मछलियों का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और वो उल्टी दिशा में भाग जाएंगी। अरे मछलियों की जान तो नहीं चली जाएगी? नहीं सर, ये सिर्फ मछलियों को दूसरी दिशा में भगाने के लिए है। सर अगर और किसी जीव जंतु ने एक मीटर से पास आने की कोशिश की तो ये रेड बजर अपने आप बच जाएगा और हम सचेत हो जाएंगे। जाओ पंकज, वैसे तो तुम बहुत बातें करते हो, आज इतने शांत क्यों? सर मौत के मुंह में जाने से पहले इंसान कुछ कह ही नहीं पाता है। मुझे तो बस इस बात का डर है कि ये पिराना मेरा बारबेक्यू ना बना दे। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हमारा बहुत ही होनहार ऑफिसर है, इसका अंदर भी जरा ख्याल रखना। जी जरूर सर। ऑल द बेस्ट। चलो चलो। के जाना, लगता है वो खूनी मछलियां इसी पानी में। सब सुरक्षा की सारी व्यवस्था बराबर है? यस सर, हमने पूरी तैयारी कर ली है, खतरे की कोई भी बात नहीं। ग्रेट, गुड लक, चलो जाओ। हाँ अभी अभी विद्युत और निखिल दोनों पानी में गए हैं। हाँ 10 मिनट हो चुके हैं। हाँ देखते हैं। काफी टाइम हो गया सर।
पानी के अंदर मछलियां हैं? सर मछलियां तो नहीं मिली, पर ये मछली और कंकाल और ये जंजीर मिली है। दिखा सर। मछलियों के कंकाल और ये जंजीर है? जिंदा मछलियां नहीं अंदर? सर हम लोग पानी की गहराई तक जाके आए हैं, लेकिन यहाँ पर जीव जंतु का नामो निशान तक नहीं है। मगर सर मछली का कंकाल तो मिला है, शायद जिस मछली ने परम को मारा वो खुद मर गई हो। नहीं प्रेडी, माजरा कुछ और ही है। झील के नीचे मिली ये जंजीर कुछ और ही कहानी बता रही है, मगर क्या? एक मिनट प्लीज, हटिए। हिम्मत मत हारना निखिल, कुछ नहीं होगा तुम्हें। घबराओ मत विद्युत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हटिए प्लीज। अगर मुझे पहले पता होता कि वहाँ पर ये सब होगा तो मैं विद्युत को कभी पानी में जाने नहीं देती। हमें भी अंदाजा नहीं था कि अंदर ऐसा हादसा हो जाएगा। सर पानी में तो अनगिनत जीव जंतु होते हैं ना, कौन कब किस पे हमला कर दे कैसे पता चलेगा? एक बार ये ऑपरेशन ठीक ठाक हो जाए फिर इनसे बात करते हैं कि क्या हुआ था। अब कैसे हैं दोनों? जी हाँ, अब वो दोनों खतरे से बाहर हैं। आप लोग ठीक वक्त पर इन्हें यहाँ ले आया। डॉक्टर साहब क्या हम उनसे मिल सकते हैं? जी हाँ क्यों नहीं। डॉक्टर साहब एक बात और, हमें उनके खून का और खाल का सैंपल चाहिए फॉरेंसिक टेस्ट के लिए। ठीक है मैं नर्स को बोल देता हूँ। निखिल। विद्युत तुम ठीक हो? कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, आप मेरी फिक्र मत करिए। हाँ टीना, मगर पता नहीं अब मैं दोबारा पानी में कब उतर पाऊंगा। ऐसी बातें मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो सब ऑर्डर के लिए सर। लेटो लेटो आराम से, ऑर्डर ये है कि चुपचाप आराम करो, समझे? आराम कैसे कर सकता हूँ सर, मुझे काम पे आना है सर। तो फिर जल्दी ठीक हो जाओ। अरे फ्रेडी यार इसको कुछ खिलाओ पिलाओ है, हैं? हाँ हाँ सर, मैं अभी वाइफ को फोन करके बताता हूँ, वो निखिल के लिए असली घी का हलवा बनाए स्पेशल। एक बात बता यार, क्या वाकई झील में पिराना मछलियां थी? पता नहीं सर, उस झील में किसने हम पे हमला किया हम देख नहीं पाए सर। झील का पानी तो बिल्कुल साफ था ना? हाँ सर, झील का पानी तो एकदम साफ था, लेकिन वो बॉक्स की टूटी हुई सील मिली, उसके बाद झील में एक अचानक धूल भरा तूफान आया सर। क्या? धूल का तूफान? हाँ सर, वो तूफान इतना भयानक था सर कि मैं और विद्युत एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे, और सर इससे पहले कि हम लोग कुछ समझ पाते शायद उस पिराना ने हम पे हमला कर दिया। अगर वहाँ पे पिराना मछलियाँ थी तो इतनी जल्दी गायब कैसे हो गई? तो वहाँ कुछ और ही चक्कर है। थैंक यू वेरी मच विद्युत, आपने हमारी बहुत मदद की है। प्लीज सर शर्मिंदा मत कीजिए, सीआईडी की मदद करना तो मेरे लिए गर्व की बात। सर ये केस तो दलदल में फंसता ही जा रहा है, अब तक तो हमें यही समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो दो दो मौतें हुई हैं वो पिराना मछलियों की वजह से हुई है या नहीं, क्योंकि एक झील में हमें पिराना मछलियां मिली थी और एक झील में नहीं मिली थी। वही तो फ्रेडी, पिराना मछलियों की झील में जो ये धूल का तूफान आया था, इस तरह का तूफान पानी में कभी नहीं आता, कोई ना कोई चक्कर तो जरूर है फ्रेडी। लेकिन सर उस झील में हमें पिराना मछलियों की हड्डियां मिली थी, इसका साफ साफ मतलब वहां पे पिराना मछलियां थी। नहीं फ्रेडी, इस बात में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि पिराना मछलियां इंडिया में रह नहीं सकती, तो फिर उनकी हड्डियां आई कहां से? और इसी बात का पता सालुंखे साहब लगा रहे हैं कि हड्डियां कितनी पुरानी है। देखो हड्डियां कितनी पुरानी है ये पता लगाने में तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें एक और कमाल की चीज दिखाता हूँ। ये देखो, ये दोनों जख्म उन जख्मों के माइक्रोस्कोपिक वर्जन, ये वाला जख्म है विद्युत का और ये जख्म है निखिल का। जरा गौर से देखो। सर ये जख्म तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे उन दो लाशों पर थे। बिल्कुल ठीक कहा श्रेया, ये जख्मों के निशान ठीक इस पिराना मछली के जैसे ही। ये जख्मों के निशान तो पिराना मछली के हैं और ये निशान हमें कुछ बता रहे हैं। गौर से देखो। सर इनमें तो जख्मों के अलावा कुछ भी नहीं है, इन दोनों के रेड ब्लड सेल्स हैं बस। एग्जैक्टली यही कमाल की चीज, ये जख्म अगर पिराना मछली के काटने से बने
तो यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स के साथ साथ पिराना मछली का सलाइवा भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उसके कोई ट्रेसेस नहीं है। यही कमाल की चीज है। ना सर, ये तो वाकई कमाल की बात है। फिर ये है कौन सी मछलियाँ? काटती तो है लेकिन अपना डीएनए नहीं छोड़ती। दुनिया में ऐसी कोई मछली नहीं जो किसी को काटे और अपना डीएनए ना छोड़े। ऐसी मछली हो ही नहीं सकती। इस जंजीर को और इस कार्गो के सील को देखकर लगता है कि ये सारा काम किसी मछली का नहीं, किसी इंसान का काम है। ये सर, इंसान पिराना मछलियों की तरह झुंड में आ रहे और वो भी पानी के अंदर। ये सारा सामान पानी के अंदर कौन ले जा सकता है इंसानों के अलावा? मछलियां तो ये ले नहीं जा सकती। हाँ सर, और वो धूल वाला तूफान, वो भी किसी इंसान की ही करतूत है। सर शायद वो धूल वाला तूफान इसलिए आता हो ताकि उस झील के अंदर जो भी हो उसे ये जंजीर और वो बॉक्स दिखाई ना देता हो सर। हाँ, कुछ ना कुछ तो चल रहा है इन दोनों झीलों की गहराइयों में। कुछ ना कुछ तो चल रहा है हमारी आंखों से दूर, और इस सब पर पर्दा डालने के लिए रचा जा रहा है पिराना मछलियों का खेल। पिराना मछलियों का खेल CKJ890 और KATH62। पता लगाना पड़ेगा किस कुरियर कंपनी से, किस कार्गो कंपनी से ये पार्सल आए हैं और किसके लिए आए हैं ये पार्सल। मेरा नाम अनिकेत है और मैं यहाँ का चीफ ऑफिसर हूँ। अनिकेत जी, जरा प्लीज हमारी मदद कीजिए। ये जो रिसीट है, इस पर जो शिपिंग कोड्स हैं, क्या आप इसे बता सकते हैं कि ये पार्सल किसने भेजे थे और कहाँ भेजे थे? जरूर सर। CKJ890 देश के दक्षिणी पश्चिमी भाग का कोड है सर। वरुण जरा हमारे रिकॉर्ड में देखो। जी सर। सर इन तीनों पे तो। तीनों पे क्या? सर इन तीनों पे तो लाल निशान है। लाल निशान? हाँ सर, लाल निशान तो हम सिर्फ उस पार्सल पर लगाते हैं जो शिप से गायब या चोरी हो जाए। जो शिप में से गायब या चोरी हो जाते, तो आपके कहने का मतलब है कि ये तीनों पार्सल्स उस जहाज में से गायब हो गए। CKJ890, CKJ891, CKJ892 ये तीनों पार्सल मुंबई पहुंचने से पहले शिप से गायब हो। और ये तीनों पार्सल कहां से भेजे गए थे? सर किसी महाराद्वीप से। महाराद्वीप? जी सर। किसे भिजवाए थे ये पार्सल? सर किसी रुसाली को जो राजपूत नगर के बीच हाउस में रहती है। रुशाली, राजपूत नगर। जी कहिए। हम लोग CID से। CID? जी हाँ, CID। हम रुशाली से मिलने आए हैं। कौन है हरिया? मेम साहब, ये लोग CID से आए हैं और रुशाली मेम साहब से मिलना चाहते हैं। CID से? नमस्ते सर, मैं नताशा, रुशाली की बहन। क्या काम था? हम लोग रुशाली से मिलने आए। मम्मी कौन आया है? टीना, तुम? ACP सर, आप? देखो टीना, हम रुशाली से मिलने आए। मेरी मौसी से। रुशाली तुम्हारी मौसी है? क्या हुआ, आप लोग कौन है? सर ये मेरे पापा हैं और पापा ये लोग CID ऑफिसर्स हैं। CID? और मेरे घर में? सर मुझे डाइविंग क्लासेस के लिए देरी हो रही है, क्या मैं जा सकती हूँ? ठीक है, जाओ। थैंक यू सर, बाय मम्मा, बाय पापा। बाय बेटा, बाय। देखिए हम रुशाली से मिलने आए हैं, हम उसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या आप रुशाली को बुला सकते हैं? रुशाली से? आप लोग आइए मेरे साथ। आइए। आइए सर। ये रुशाली है? जी सर, यही है रुशाली, मेरी बहन। क्या हुआ, क्या इन्हें? सर दरअसल एक हफ्ते पहले सलोरा झील में एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से रुशाली को लकवा मार गया। आपने सलोरा झील का? जी सर। ऑफिसर अब तो आप बता दीजिए कि आपको रुशाली से क्या बात करनी थी। ठीक है, बताई देता हूँ। वो जो पिराना मछली वाला मर्डर केस है, उसमें रुशाली का गहरा संबंध है, ऐसा हमें शक है। सर रुशाली का इन सब चीजों से क्या लेना देना है? सचिन, वो कार्गो वाली रिसीट का ये देखिए। महाराद्वीप से तीन बक्से रुशाली को कुरियर किए गए। तो क्या इन तीन बक्सों के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? पर ऐसे कोई बक्से तो यहाँ तक पहुँचे ही नहीं। हाँ वैसे तो इसमें से दो बक्से हमारे पास है,
वो दो बक्से हमें मिले दो झीलों में से। झील के अंदर बक्से? जी हाँ, और उसमें से एक झील है सलोरा झील, जहाँ पर रुशाली के साथ यह हादसा हुआ। सर, उन बक्सों में था क्या? वही तो पता लगाना है हमें, और ये भी जानना है कि उस तीसरे बक्से में है क्या, और ये तीसरा बक्सा है कहाँ। देखिए, बुरा मत मानिए, लेकिन हम आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। तलाशी? जी हाँ, तलाशी। सचिन, फ्रेडी, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। आप लोग रुशाली पे शक कर भी कैसे सकते हैं? वो तो चल भी नहीं सकती। देखिए मैम, रुशाली की हालत तो अब एक हफ्ते पहले की है, मगर ये जो सारा चक्कर है ना इन बक्सों का, वो बहुत दिन पहले से है। के कमरे में कुछ नहीं है। बाहर कुछ नहीं है। ये देखो, यहाँ पे ये किताब मिली है, जिसमें बम्बई की लेक्स, नदियों के बारे में, यहाँ तक कि समुंदर के बारे में लिखा हुआ है। ये किताब शायद अपने काम की हो, इसे रख लेते हैं। सर, कमरे में कहीं पे भी तीसरा बक्सा नहीं मिला। कहीं पर भी नहीं मिला? नहीं। लेकिन सर, एक किताब मिली, शायद हमारे काम की। अगर आपको इतराज न हो तो ये किताब हम ले जाना चाहते हैं। ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच। और सॉरी हमने आपको थोड़ी तकलीफ दी, हमारी यही इच्छा है कि रुशाली जल्दी ठीक हो जाए। क्या हमारे द्वारा भेजे हुए पार्सल अभी तक मुंबई पहुंचे ही नहीं? ये कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है, जिस रुशाली के लिए पार्सल भेजे गए थे वो उस तक पहुंचे नहीं। आप जरा अपना रिकॉर्ड चेक कीजिए और बताइए वो तीनों पार्सल किसने भेजे थे। एक मिनट सर। हेमंत, जरा चेक करके बताओ ये तीनों पार्सल किसने भेजे थे। ऑर्डर नंबर CKJ 890 891 892। सर, 9th February 2014 को ये पार्सल भेजे गए थे, और मार्को नाम के किसी आदमी ने भेजे थे। मार्को? सर, ये मार्को तो अक्सर हमारी कंपनी से पार्सल भेजता ही रहता है। क्या भेजा था इस मार्को ने, जरा रिकॉर्ड चेक कीजिए। सर, रिकॉर्ड में कुछ नहीं लिखा क्या भेजा था। क्या आप लोग चेक नहीं करते कौन क्या भेज रहा है? बिना बक्से चेक किए आपने मुंबई भेज दिए? एक्चुअली सर, बक्से में क्या सामान है इसकी जांच तो सिक्योरिटी ऑफिसर राजेंद्र ही करते हैं। हाँ सर, राजेंद्र मार्को को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए शायद उसने जांच नहीं की होगी। बुलाइए जरा इस राजेंद्र को। सर, वो एक हफ्ते की छुट्टी पे है। छुट्टी पे? हाँ सर, वो फोन भी नहीं उठा रहा है। सर, जरूर ये राजेंद्र कुछ जुर्म करके भागा है। हो सकता है। उसके घर जाके देखा आपने? जी सर, घर में ताला बंद है, शायद वो कहीं बाहर गया होगा। इस मार्को का एड्रेस दीजिए जरा। सॉरी सर, हमारे रिकॉर्ड में उसका कोई एड्रेस नहीं। ये कैसा रिकॉर्ड रखते हैं आप लोग, कुछ भी नहीं है आपके पास। ये सीसीटीवी कैमरा जो लगा हुआ है, ये तो चल रहा है ना? जी सर। इसकी फुटेज देखनी है हमें। सर, ये इसमें से मार्को कौन है? सर, ये आदमी जिसने पीले रंग की टी शर्ट पहनी हुई है, यही मार्को है। वही जिसके कंधे पे बैग है? जी हाँ। पॉज करो जी और जूम करो इसके बैग, क्या रखा है इसने? सर, ये एक टॉर्च है। टॉर्च और पीले रंग का हेलमेट। ये मार्को कहीं किसी खान में काम करता है क्या? माइन वर्कर सर। माइन वर्कर। इस टापू पे कहीं कोई खान है क्या? हाँ सर, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर एक सोने की खान है। सोने की खान? ठीक है ठीक है, जैसे आपको कुछ और पता चले मुझे तुरंत बताइए। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ सर, ये मार्को किसी सोने की खान में काम करता है। अच्छा सर, कहीं वो रुशाली को इस कार्टन में सोना ही तो नहीं भेज रहा था? तो रुशाली बता सकती है ना, मगर वो बताने की हालत में नहीं है। हमें पता लगाना पड़ेगा क्या था उन बक्सों में। सर, रुशाली का इस जुर्म में कहीं ना कहीं तो हाथ जरूर है। उसके साथ दुर्घटना हुई थी सलोरा झील में, ये कोई संयोग नहीं हो सकता। हाँ सर, शायद इसके बारे में उसके घर वाले कुछ बता सके। हाँ निखिल, मगर उसके घर वाले तो कहते कि उन्हें उन बक्सों के बारे में कुछ पता ही नहीं। पर सबसे दिलचस्प बात मुझे लगी वो है टीना। वो
डाइवर हो, गोताखोर, वो निकलती है रुशाली की भतीजी। रुशाली का सलोरा झील में एक्सीडेंट और टीना और रुशाली का रिश्ता, कहीं ना कहीं दो बातों का संबंध है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सर, टीना को ब्यूरो में बुलाकर पूछताछ करें? करेंगे, लेकिन अब नहीं, जब वक्त आएगा तब करेंगे। उस कुरियर कंपनी ने हमें बताया था कि रुशाली को 3 बॉक्सेस भेजे गए थे, 3, और हमें मिले हैं 2। तीसरा बॉक्स गया कहाँ? सर, शायद ब्लू क्रीक और सलोरा झील की तरह किसी तीसरे झील में छिपा के रखा हो। बिल्कुल सही फ्रेडी, किसी तीसरी झील में ही छुपाया गया है वो बॉक्स। और वो कौन सी झील है ये बताएगी ये किताब जो हमें रुशाली के घर से मिली। अब ये देखो, देखो इस पन्ने को, क्या लगता है तुम्हें? हाँ सर, ऐसा लग रहा है किसी पुरानी किताब से निकाल के लगाया गया। बिल्कुल किसी पुरानी किताब का ही पन्ना है ये। और तो इसके ऊपर जो नंबर लिखा है ना, पिछले ना अगले पन्ने से मेल खाता है। और फिर ये नंबर है इस पन्ने पर 1902। क्या हो सकता है बताओ? 19 फरवरी है ना, और परम की मौत हुई थी 20 फरवरी। 20 फरवरी को। अब दिखाता हूँ दूसरा पन्ना, बिल्कुल वैसा ही पीला, और इस पर नंबर लिखा है 2102, मतलब 21 फरवरी। मगर सर, सुमेर की मौत हुई 20 फरवरी को, और इन पन्नों के हिसाब से उन दोनों की मौत होनी चाहिए 19 और 21 फरवरी को। नहीं, लेकिन यही तो गलती कर रहे हो तुम। 19 फरवरी और 21 फरवरी, ये 2 तारीखें उन दोनों की मौत की नहीं, ये तारीखें हैं उन बक्सों को झील से निकालने की। मतलब सर, इस किताब में एक पीला पन्ना और होगा जो हमें बताएगा कि ये तीसरा पार्सल कब और कौन से झील में से निकाला जाएगा। बिल्कुल सही रेडी। और ये रहा तुम्हारा तीसरा पन्ना, बिल्कुल वैसा ही पीला, और उसके ऊपर नंबर है 0203। 0203 मतलब 2nd मार्च। बिल्कुल 2nd मार्च तारीख है जिस दिन मुजरिम आएगा पिप्पी झील पर वो तीसरा बक्सा निकालने के लिए। आज से बिल्कुल 48 घंटे बाद पिप्पी झील। आसान के बोल, क्या 15 साल पुराना? अच्छा ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ सर? सालुंखे बता रहा था कि उस झील में जो पिराना मछली के कांटे हैं ना, वो 15 साल पुराने हैं, और किसी ने वो 15 साल पुराने कांटे उस झील में लाकर डाले ताकि हम गुमराह हो जाए। पता लगाना पड़ेगा है कौन इस शहर में जो पिराना मछली की तस्करी करता है। साहब, मछली के भाव का कुछ कीजिए साहब, आपका भाव सबसे ज्यादा है, इसीलिए कोई ग्राहक मछली खरीदने नहीं आता। अरे मंगू, सबसे उम्दा किस्म की मछली बेचता हूँ मैं, भाव तो ज़्यादा होगा ही, और ये तो तू भी जानता है, आज नहीं तो कल ग्राहक तो वापस आएगा ही, बस तू मन लगा के काम कर। ये भी कोई बोलने की बात है साहब, आप बस मेरा ध्यान रखिए। हेलो हेलो सर। टुपुर नहीं, टुपुर टुपुर। ऑल दिस माई फिश सर, टेल मी व्हाट यू वांटिंग। ये सब मेरा मच्छी सर। वेरी गुड, एक्सलेंट, वी वांट पिराना, पिराना मच्छी मांगता है। वाह साहब, आप तो टकाटक हिंदी बोलते हैं। हमको पिराना मछली मांगता जिंदा, और उसका पुराना हड्डिया भी मांगता है। मिलेगा ना सर, क्यों नहीं मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने किसी को पिराना मछली का 1,000 कंकाल बिका था। 1,000? यस। किसको दिया था? Who is that man? आप आम खाइए ना सर, गुठलियाँ क्यों गिनते हैं? दिखाओ, वेयर इज द पिराना मछली। ये देखिए सर, इधर आइए। ये देखिए सर, उसने मेरे को इनके जबड़े में छेद भी करवाया था सर। जो जबड़ा सचिन। अब अगर तू अपनी सलामती चाहता है तो जिसने भी ये खरीदा है बुला उसे। आप तो एकदम अच्छी हिंदी बोलने लगे सर। सिर्फ हिंदी अच्छी नहीं बोलते हम,
तुम जैसे लोगों तक पहुंचने का सीआईडी का तरीका भी अच्छा है, समझे? सीआईडी? हाँ सीआईडी। तो बताओ कौन है ये खरीदार जिसने 1000 पिराना मच्छी के कंकाल खरीदे थे? बताओ जल्दी बताओ। सर वो एक वैज्ञानिक है और वो समुद्र के जीव जंतुओं के बारे में बहुत कुछ जानता है। वैज्ञानिक है जी। दिखता कैसा था वो? बस ऐसे मामूली सा दिखता है। मैं उसके हुलिये के बारे में बात कर रहा हूँ। बोल। सर वो करीब 5'9" कद है, गोरा सा है, भारी शरीर और बड़ी बड़ी मूछें हैं। गोरा सा, भारी बदन, लंबी मूछें। फ्रेडी फोटो दिखाओ इसे। ध्यान से देखो, यही है वो? हाँ हाँ यही है सर, यही है। मार्को, मार्को। लेकिन अगर मार्को को जीव विज्ञान के बारे में इतनी समझ है तो फिर वो सोने की खान में क्या कर रहा है? सोने की खान में मार्को। चलिए चलिए जल्दी से पेटी अंदर लेके जाइए, जल्दी लेके जाइए। मिस्टर संपत, आप ही है ना? जी कहिए। हम लोग सीआईडी से हैं, आपसे कुछ बात करनी है। सीआईडी को मुझसे बात करनी है? जी हाँ, आपके दोस्त मार्को के बारे में कुछ जानना था। कौन मार्को? क्या बात है, अपने दोस्त मार्को को भूल गए? पिछले हफ्ते मिलने आया था ना आपसे। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, सीआईडी ब्यूरो में अच्छो अच्छो की याददाश्त वापस आ जाती है। पंकज ले चलो इसे। नहीं नहीं मैं बताता हूँ, वो मार्को ने मुझे 10 लाख रुपए दिए थे उसे वो सोना देने के लिए। मार्को सोना लेके कहाँ गया? पता नहीं सर। पता नहीं, बोल कहाँ गया? मैं वाकई नहीं जानता। मार्को का नंबर और एड्रेस होगा ना तेरे पास? नहीं सर, बस इतना मालूम है कि वो स्टेट मैरिनर सेंटर में काम करता है, मुंबई में। स्टेट मैरिनर सेंटर मुंबई, ठीक है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मार्को जैसा प्रतिभाशाली जीव वैज्ञानिक ऐसा जुर्म करेगा। ये सुन के मुझे बड़ा धक्का लगा है। जुर्म तो किया है उसने, सोने की तस्करी में बहुत बड़ा हाथ है उसका। उसके बारे में कोई खबर? जी नहीं, क्योंकि जब से वो महाराद्वीप से वापस आया है वो एक बार भी यहाँ नहीं आया, फोन भी नहीं उठा रहा और घर पे भी नहीं है। सर इस मार्को को ढूंढेंगे कहाँ? सर मेरे ख्याल से इस मामले में मार्को की असिस्टेंट आपकी कुछ मदद कर सकती है। बुलाइए जरा उसे। ठीक है सर। अरे वो रही टीना, जरा यहाँ आना। सीआईडी? टीना जी आप यहाँ भी मौजूद हैं? लगता है आपकी और सीआईडी की किस्मत की राहें आपस में जुड़ गई हैं, तभी तो हर जगह आपके दर्शन हो रहे हैं। कमाल है सर, टीना जी गोताखोर भी है, पुरुषाली की भतीजी भी है और मार्को की असिस्टेंट भी है। इन सब कामों के लिए इन्हें तो मेडल मिलना चाहिए। सोने का मेडल दो इनको, आखिर ये और मार्को दोनों सोने की ही तस्करी तो कर रहे हैं। सोने की तस्करी? रुके रुके, यहीं आगे मत। तुम्हारा सारा खेल खत्म हो चुका है समझे? मार्को कहाँ है? सर मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। कब से कर रहे हो तुम लोग ये सब? सर मैं तो अपनी डिग्री के लिए उनको असिस्ट कर रही थी, वो जैसे जैसा बोलते गए मैं वैसा करती गई। किसी भी जुर्म के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, और क्या कहते थे वो तुम्हें करने के लिए? सर मेरा काम है उस झील से निकले हुए बक्सों को अपने असली खरीदारों तक पहुंचाना, और कुछ नहीं। और ये नकली पिराना का क्या चक्कर है? सर नकली पिराना के हमले का इस्तेमाल हम लोग सोने की सुरक्षा के लिए करते हैं, ताकि कोई उसे लेकर न चला जाए। तुम्हें पता चल चुका था कि सीआईडी सलोरा झील आने वाली है, इसलिए तुमने गुंडों से कह के नकली पिराना का हमला करवाया। अब बताओ अगला पार्सल कब उठाना है? कौन सा अगला पार्सल सर? पिप्पी झील का पार्सल। पिप्पी झील का पार्सल? मतलब सर आप लोगों को सब कुछ पता चल चुका है? कब आने वाला है वो पार्सल? सर वो आज शाम 5:05। शाम को 5:00? जल्दी जाओ पानी, मार्को पानी के अंदर।
संभल के छोड़ो मत उसे। तुम दोनों ले जाओ इधर मुंह नीचे, अगर हिलने की कोशिश की ना तो गोली मार दूंगा। चल चले। मार्को जी, तलाश थी तुम्हारी, आ गए ना भाग में। इसमें तो सुना है सर। और सर वो पिराना मछली भी लोहे की है, बैटरी से चलती है। अच्छा, और नीचे सर कैमरास भी लगे हुए बॉक्स के पास। सोना को सुरक्षित रखने के लिए लोहे की पिराना मछलियां और अंडर वाटर कैमरा। बता, सच सच बता जल्दी। हाँ, सोने को कोई और ने चुरा ले, इसलिए पिराना मछलियों का खेल खेला और कैमरास भी लगवाए ताकि अगर सोने तक कोई पहुँचे तो तुम पिराना मछलियों से उस पर हमला करवा। हाँ, इसे मैं 2 किलोमीटर दूर से भी ऑपरेट कर सकता था। वाह रे वाह, तुम्हारे इस कमीनेपन की वजह से 2 लोगों की मौत हुई और मेरे 2 ऑफिसर्स निखिल और विद्युत घायल हो गए। तुमने सोने की खान के प्रोजेक्ट हेड को अपने प्लान में शामिल कर दिया और शिपिंग कंपनी के सिक्योरिटी ऑफिसर को घूस खिला दी ताकि तुम ये अपना सोने का बक्सा पानी में छुपा सको। अबे लंगूर की तुम, पता इस पूरे प्लान के पीछे लंगूर कौन है, असली लंगूर? क्योंकि ये काम तुझसे अकेले से कभी नहीं हो सकता। हाँ नहीं तो जल्दी करो, जल्दी करो, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मार्को, ये बक्से यहाँ क्यों ले आए? रखो। ये सब क्या खिचड़ी पक रही है? ये बक्से अभी तक खरीदारों के पास होने चाहिए थे, यहाँ क्या कर रहे हैं बक्से? सोना खरीदारों के पास पहुँच गया था बॉस, मगर वापिस आ गया। वापस आ गया मतलब? ये क्या उड़ के आ गए? उड़ के नहीं, तैर के, झील में तैर के। सीआईडी, ना तुम? मार्को, तुमने इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ। धोखा इन्होंने नहीं, आपने मेरे साथ किया है पापा। सोने की तस्करी में अपनी बेटी को ही फंसा दिया। टीना तुम, मुझे कुछ नहीं सुनना है। और रुशाली मासी, उनकी इस हालत की जिम्मेदार भी आप ही हैं। हाँ मैं हूँ जिम्मेदार, रुशाली की इस हालत का जिम्मेदार भी मैं हूँ। क्योंकि मैं बड़ा आदमी बनना चाहता था, पैसा कमाना चाहता था, पर मुझे रास्ता ठीक लगा इसलिए मैंने इसे चुन लिया। क्या बात, पैसों के लालच में खून के रिश्तों को भूल गए? रिश्ता? कैसा रिश्ता? टीना मेरी सगी बेटी नहीं है, अरे ये तो सौतेली बेटी है। सौतेली? सौतेली तो क्या हुआ, है तो बेटी ना। तुम सीआईडी वालों ने मेरे निजी मामलों में दखल देकर अच्छा नहीं किया है, मेरा सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया तुम लोगों ने। अरे देख क्या रहे हो, इसकी सजा दो ना, मारो। सोने की तस्करी की, सीआईडी वालों को गोलियां चलाई, अपने परिवार वालों को धोखा दिया। तेरी जुर्म की लिस्ट तो बहुत लंबी है, मगर अफसोस उससे भी लंबा मेरा ये हाथ है। मैंने नताशा से पैसों के लिए शादी की थी, लेकिन नताशा की बहन रुचाली सारा पैसा अपने कब्जे में रखती थी, वो एक एक रुपए का हिसाब मुझसे लेती थी। तो इसलिए तुमने सोचा कि क्यों ना एक तीर से 2 निशाने लगाए जाए, तस्करी से दौलत कमाई जाए और रुशाली को उस हालत में पहुंचा कर उसकी दौलत भी हथिया ली जाए। और मेरे दिमाग में ये प्लान मार्को से मुलाकात के बाद आया, क्योंकि मार्को एक जीव वैज्ञानिक था और मैंने सोचा क्यों ना उसके ज्ञान का फायदा उठाया जाए, इसीलिए मैंने सोना जो है झील में छिपा दिया। और अगर कोई उस झील में उतरे तो उस पर नकली पिराने वाले हमला कराए जाए ताकि लोग डर के मारे उस झील के पास न जाए।
बड़ा ही आराम से हमारा ये जुर्म का कारोबार चल रहा था। मैंने पार्सल भी रुशाली के नाम से ही बुक कराया था ताकि कभी कानून की नजर इस कारोबार पर पड़े तो शक मुझ पे नहीं रुशाली के ऊपर जाए। मगर अफसोस सीआईडी की टीम ने तुम्हारे इस घटिया प्लान की धज्जियां उड़ा दी। अब जेल में बैठ के खेलते रहना पिराना पिराना फांसी का ऑर्डर आने तक। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।